हाँ तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी भाई, ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, पांच, और कंडीशंस कितनी है, तीन, सॉरी एक कंडीशन, तो डायमेंशन चार हो जाएगी। बता डायमेंशन चार हो जाएगी भाई। अगर एक तरीका, अगर इंडिपेंडेंट वाले मेथड से देखना है तो ऐसे देख लो भाई, इंडिपेंडेंट वाले मेथड देखो तो ऐसे देख लो, दूसरा मेथड से आप देखो ये x1 x2 इसमें कोई एक निकाल लो, चाहे x1 या x2 या x3 कोई एक निकाल लो, चलो x1 ही निकाल ले रहे हैं, इसमें से x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा x2 minus x3 upon 3, तो x1 की वैल्यू रख दो x2 minus x3 upon 3, और ये x2 ऐसे ही, x3 ऐसे ही, x4 ऐसे ही, x5 ऐसे ही, ये भी एक मेथड है, x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब बताओ कितने वेरिएबल हैं, डायमेंशन निकालना है आपको, कितने वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, भाई चार ही तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x2 x3 x4 x5, x2 x3 x4 x5 चार ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं, चार हुए खत्म, कौन x2 x3 दे आर x2 x3 x4 x5 चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं, तो डायमेंशन आपकी चार हो गए। इस साल भी एक ही नेट मान के चलो, सारा कोरोना जो है ना नेट वालों को ही होता है, नीट वाले लगा रहे हैं, नेट वालों को पता नहीं क्या परेशानी है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाते हैं तब भी पता नहीं क्या परेशानी है, सोशल डिस्टेंसिंग में डालते हैं, एक सीट छोड़े एक सीट बैठाते हैं, लेकिन लेकिन इस साल भी एक ही होगा मैं लग रहा है देख के ऐसा। अगर अगस्त में हो गया तो ठीक है, अगर अगस्त में नहीं हुआ तो मान के चलो एक होगा, बस एक ही नेट होगा, वही तो जैसे उन्होंने पोस्ट किया कि एग्जाम जुलाई में नहीं होगा तो सब खूब बुरा वाला कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बुरा वाला ट्वीट कर रहे हैं, सर आप फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं लोग के, ये है वो बहुत बुरा वाला कह रहे हैं लोग। अच्छा चलो 58 देखते हैं, 58 डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस इन, वैसे डायमेंशन में अगर जितने क्वेश्चन पीछे थे उतने अगर लगा लिए हैं तो ये समझ लो 90% क्वेश्चन आपके डायमेंशन के हो गए, और एग्जाम में आएगा कोई छोड़ के नहीं जाओगे डायमेंशन कभी भी, जितने पीछे तो उनमें अगर लगा लिया तो आप पक्का करके आओगे एग्जाम में डायमेंशन, कोई भी क्वेश्चन आता है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, अच्छा भाई ये वी कुछ मान ले रहे, कैसी मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन की, जहां पर एन जो है वो दो या दो से बड़ा है, और क्या कह रहे हैं सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई, और क्या कह रहा है विद रियल एंट्रीज, यानी सारे ए आई जे कहाँ हैं, आर में है विद रियल एंट्रीज, और ट्रेस इक्वल टू जीरो, ट्रेस थोड़ी देर के इसको ऐसे मान ले या ऐसे लिख दे रहे ए करके लिख दे रहे ए बराबर, तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो जीरो। चलो भाई क्या क्या कहानी आई सुनो जरा सा भाई, क्या क्या चीजें इसमें बच गई, ट्रेस जीरो और ए आई जे ए जी आई है, तो काम कर ले जरा सा, हम एन बराबर ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन है चार, हम ऑप्शन चार हैं आपके पास, ऑप्शन देख ले रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस ऑप्शन ए ही आ रहा, में लग रहा है ऑप्शन ए आ रहा होगा, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होती है डायमेंशन सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होती है, तो ट्रेस ऑफ ए जीरो है, एक कंडीशन की वजह से ए घट गया है, पहला ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ तक, एन स्क्वायर माइनस टू एन बाई टू माइनस वन, एन चलो चलो जिनको सिमेट्रिक की डायमेंशन ना मालूम फिर से निकाल दे रहे, जिनको ना पता हो स्क्रीनशॉट लेना है कुछ तो ले सकते हो, लिख रहा हो तो लिख सकते हो। पहले तो सिमेट्रिक के लिए डायमेंशन क्या होती सुनो भाई, तो v बराबर क्या करोगे आप, a बराबर मैट्रिक्स a मान लो, हम पूरा n बराबर मान के करना है या बिना माने करना है डिसाइड कर लो, आपकी मर्जी है, चलो मान के कर ले ज्यादा आसान होता है भाई, n बराबर मान लेना तीन, दो या दो से ज्यादा मानना है तीन मान लो, तीन से दो ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे चेक कर लेना,
हम नहीं चेक कर रहे, बाद में चेक कर लेंगे। तो देखो ना जरा था, ए आई जे बराबर है ए जी आई, मतलब समझ रहे हो, ए वन टू बराबर ए टू वन, ठीक है। ए बराबर कौन बन जाएगी, ए हो जाएगी आपकी ए वन वन, रियल एंट्रीज है कोई टेंशन नहीं, सारे रियल नंबर है, टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, लेकिन ए आई जे ए जी आई है तो ए वन थ्री ए थ्री वन के बराबर, ए वन टू ए टू वन के बराबर, ए टू थ्री ए थ्री टू के बराबर, तो ए वन टू को ए टू वन लिख देना, ए वन थ्री को ए थ्री वन लिख दो, इसको टू थ्री या टू थ्री लिख दो, सही है। और एक कंडीशन और दी है, एक कंडीशन और दी है, ट्रेस जीरो है, ट्रेस बराबर आपका जीरो है, ट्रेस का मतलब कौन, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री इक्वल टू जीरो, ट्रेस जीरो। चलो भाई कितने वेरिएबल है ये, कितने वेरिएबल है ये, देखो जरा सा, एक काम करो, ट्रेस जीरो है, इनमें से कोई एक, एक कोई भी एक निकाल लो, पहले ही वाला निकाल ले, माइनस है टू टू माइनस है थ्री थ्री, तो रख दो जरा सा, ए वन वन की जगह माइनस है टू टू माइनस है थ्री थ्री, और ये वन टू ऐसे वन थ्री ऐसे वन टू ऐसे टू टू ऐसे टू थ्री ऐसे, जो आंसर बड़ी आसानी से आ गया है, वन थ्री टू थ्री थ्री थ्री, और जरा बता दो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन का मतलब बोलो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कौन कौन वेरिएबल है, देखो एक ए टू टू ए थ्री थ्री, दो ये हो गए, ठीक है ना, डायमेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर करेंगे लिख दिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कौन कौन है इंडिपेंडेंट, ए वन टू ए टू टू वन थ्री और ए टू टू ए टू थ्री और ए थ्री थ्री, यही तो खाली है, और कोई वेरिएबल इसमें आया भी नहीं है, वन टू वन थ्री वन टू हो गया, टू टू लिख दिया, टू थ्री ये हो गया, वन थ्री पहले हो गया, टू थ्री ये फिर वही आ गया, थ्री थ्री लिख दिया, खत्म, कितने हो गए, पांच। तो डायमेंशन हो जाएगी आपकी यहां से पांच। अब इसमें देखो किससे पांच आ रहा है, किससे पांच आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं बस, किससे पांच आ रहा है, चेक कर लो, हो गया खत्म। एन बराबर तीन, एन बराबर तीन के लिए, एन बराबर तीन के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ से तीन त्रिक नौ, नौ माइनस तीन छः, एक मिनट, तीन त्रिक तीन का स्क्वायर नौ, नौ माइनस तीन छः, छः बटे दो तीन, तीन में से एक गया दो, ओ ये तो दो आ रहा है यहाँ से, ये पांच आ रहा है यहाँ पर, अच्छा चलो यहाँ देखो जरा सर, तीन त्रिक नौ, नौ और तीन बारह बटे दो छः माइनस तक पांच, ऑप्शन टू आ रहा है, सेकंड आ रहा क्या, 58 का 58, हाँ सेकंड आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन टू, ऑप्शन सेकंड आ रहा मैच कर रहा ना, सेकंड है, सेकंड याद नहीं, धोखे से कही दिया था भाई, याद है ऑप्शन है। चलो सिमेट्रिक की डायमेंशन क्या होती है, स्क्वायर प्लस एन बाई टू होती थी, अरे हाँ 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 सॉरी, सिमेट्रिक की डायमेंशन एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू होती थी ना, तो सिमेट्रिक है, और ट्रेस वाली एक कंडीशन और हो गई, तो सिमेट्रिक की डायमेंशन पहले एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू थी, और एक कंडीशन दे दी है ट्रेस वाली, तो डायमेंशन में से एक और घट जाएगा, एक कंडीशन माइनस कर देते ना, तो यह आंसर आ रहा है, सॉरी इसक्यू सिमेट्रिक होती तो यह आंसर आता, इसक्यू सिमेट्रिक केस में। चलिए अच्छा 59 देखते हैं, इरेज कर रहे हैं 59, आए वाले क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आपको ट्राई करना हो घर पे ट्राई करना, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हम बता दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको बहुत सारे तरीके और मिल जाएंगे। चलो 59 गेट में आया, ये भी गेट 2008 में आया, डब्ल्यू बराबर कह रहा है ए आई जे, सारे ए आई जे जीरो हैं, कब लेकिन इफ आई इज इवन, ठीक है, ऑल 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिसेस, ये 10 क्रॉस 10 की है भाई, और
डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालना है। चलो अरे भाई ये सीधी सी बात है, आई इवन कौन कौन है, इवन कौन कौन आएगा, आई इवन कहाँ कहाँ होता है, देख लो बस खत्म, वो सारे जीरो बाकी जो बचे लिख दो। आई इवन वाले कौन कौन होते हैं, आई इज इवन, सो इसका मतलब है ए टू वन जीरो, टू टू जीरो, टू थ्री जीरो, टू फोर जीरो, कितने ए टू टेन जीरो, यानी जीरो। और देखना ए फोर वन जीरो कितने होंगे। एक काम है, मैट्रिसेस बना के लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, आई इवन वाले जीरो करना है, पहले मैट्रिसेस बना लो जरा से सारी, ए वन वन, ए वन टू, वन थ्री, वन टेन, थोड़ा ऐसे लिख दे रहे कॉमा करके, आपको फर्क समझना है। और आगे टू वन, टू टू, टू थ्री, अरे यार काम बजाते बजाते ऐसे आगे चलते रहो भाई, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, चलो हम लोग पे दया आ गई, बंद कर दिया। इस तरह से फोर वन, आखिरी में टेन वन, एट टेन वन, एट टेन टू, एट टेन थ्री, एट टेन टेन, ठीक है। अब जरा देख लो कौन कौन जीरो है भाई, ये वाले पूरी रो जीरो, दूसरी रो जीरो, बताना सही है कि नहीं है, दूसरी रो जीरो, सेकेंड रो वाले सारे जीरो, हम लिख दे रहे ए टू जे जीरो, ए फोर जे जीरो, ए सिक्स जे जीरो, ए एट जे जीरो, है ना, और ए टेन जे जीरो फॉर ऑल जे। जे कितना है, जे है वन से टेन, जे भी वन से टेन है ना, आई भी वन से टेन के बीच रख सकते हो, तो कितने जीरो हो गए जरा बताओ भाई। टू जे मतलब ये पूरी रो, कितने इसमें दस, दस, दस ये, दस ये, दस ये, दस ये, दस ये, तो कितने जीरो हो गए टोटल, कितने हैं ये टोटल, ये हो गए आपके कितने हो गए टोटल, टोटल ये दस है, सॉरी सौ है, सॉरी पचास है, पचास, पचास है टोटल, टोटल पचास, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज पचास, इसका मतलब है फिफ्टी एंट्रीज आर जीरो, 50 एंट्रीज आर जीरो, 40 एंट्री तो जीरो हो गई, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज थी कितनी भाई, जब 10 क्रॉस 10 होती टोटल कितनी होती 100, 10 दाम 100, ये मल्टीप्लाई कर देते ये वाला, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज थी कितनी, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है आपकी 100, है ना भाई, 10 बाय 10 की है ना, तो 100 एंट्री है टोटल आपकी, 100 एंट्री है, और 100 में से 50 जीरो हो गई है, तो बच्चे पढ़ाई में कहा था जो फिक्स होती है वो डायमेंशन में नहीं इंक्लूड होती है, अब जरूरी जीरो ही हो, अगर ये सब पांच पांच पांच, ये एक दो, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच होती तब भी ये नहीं लेते, जो चीज फिक्स होती है वो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स होती है उसे डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी हो गई, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हो जाएगी 100 ये थी टोटल, और 50 जो थी वो आपकी जीरो थी, तो हमने कहा था जो फिक्स होती है वो चीज डायमेंशन नहीं लेते हैं, तो कितना हो गया 50, तो ऑप्शन आना चाहिए 59 का सेकेंड, चलो भाई आ रहा है, ऐसे देख लो कितनी कंडीशन है ये भाई, टोटल डायमेंशन इसकी डायमेंशन टोटल 100 आ रही है, 10 दाम 100, मैट्रिसेस की डायमेंशन निकालनी हो बिना किसी कंडीशन के तो उनके ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 दाम 100, इस मैट्रिसेस की डायमेंशन कितनी आ रही है पूरी 100, तो 100 आ रही है, और हमने कहा था क्या करना आपको, कंडीशन से निकालना चाहिए, कितनी कंडीशन है ये, 10 कंडीशन है ये, टू जे का मतलब जे 1 से 10 है ना, तो जे 1 रखो, जे 2 रखो, जे 3 रखो, कहां तक 1 से 10 क्यों है, अरे भाई आई भी 1 से 10 है, जे भी 1 से 10 है, यहां से देखा तो आपकी कितनी कंडीशन है, 10 ये 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 है, तो 50 कंडीशन है टोटल, तो टोटल यहां डायमेंशन 100 और माइनस कंडीशंस कितनी है 50, 100 माइनस 50 50, ऐसे देख लो, या ये कह लो कि जो वेरिएबल फिक्स होते हैं वो डायमेंशन में से हटा देते हैं, जो वेरिएबल्स फिक्स होते हैं वो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसे बोल दो,
समझ में आ रहा भाई? पैंसठ नंबर अभी अभी किया 65, हम गली एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन उठा रहे भाई। एक बीच में 61 छूट गया, वो भी करा रहे, रुक जाओ जरा सा, एक बड़ो भी करा रहे। 65 में कह रहा है डायमेंशन बताओ 3x3 रियल मैट्रिसेस की, अभी बताई थी कितनी है 3x3 की, 6 पीछे बताया था ना 6, तो ऑप्शन 65 का तो सीधे तीसरा तो सीधे सीधे हो गया, 65 का तीसरा जो सीधे 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 आंसर आ गया। हाँ जरा ये 61 देख लो जरा भाई, 61 61 क्या कह रहा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है आपने। चलो 61 क्या कह रहा पढ़ना, कह रहा है V1 आपको दे रहा है 1 2 0 3 0, ये भी आया है भाई गेट वाई क्वेश्चन है, ये भी गेट 2004 का क्वेश्चन है, ये V1 कह रहा आपसे ये है, V2 क्या है 1 2 -1 -1 0, V3 क्या है भाई 0 0 1 4 0, हमने कहा था भाई लीनियर अलजेब्रा के लिए BSC सेकंड ईयर में जो थी वो भी जरूर लगा लेना, हमने पहले बोला था, क्योंकि वो और आपका बेसिक और बहुत सारी चीजें बेसिक उसमें वहां पढ़ने को मिलेगी, जो चैप्टर यहाँ पढ़ते जाना वहां से वो लगाते रहो, अगर लीनियर अलजेब्रा वाकई तैयार करनी है अच्छे से तो रियल में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रियल आप पढ़ चुके हो दो दो बार, थर्ड ईयर में पढ़ी MSc में पढ़ी, टाइम लीनियर अलजेब्रा में लगता है, लीनियर अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, 2 4 1 10 के, ठीक है। चलो V5 0 0 0 फिर 0 और 1, चलो 4 बार 0 1 बार 1, डायमेंशन बतानी इसकी V1 V2 V3 V4 V5 की। चलो अरे भाई डायमेंशन निकालने के लिए एक मैट्रिसेस मान लो, इसमें वेक्टर में मैट्रिसेस मानते हैं ना, ठीक है ना, मैट्रिसेस मान लो, ठीक मैं डायमेंशन निकालनी, किसकी डायमेंशन निकालनी है आपको, निकालनी डायमेंशन ऑफ, तो इसको एस मान लो, इसको एस मान लो V1 V2 V3 V4 V5, इसको एस मान लो, और V क्या है, कह रहा डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ इतना, यानी V बराबर लान लो थोड़ी देर के लिए LS, इसका लीनियर स्पैन, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसकी डायमेंशन निकालना है टू फाइंड डायमेंशन ऑफ V। अरे सीधे से काम ये भाई, वेक्टर्स दिए ये देखो, डायमेंशन निकालना है, इनको मैट्रिसेस बना लो, सबसे आसान कॉलम में बनाते, कॉलम में ये पहला कॉलम, ठीक है, अगर इक्वेशंस दी होती इक्वेशंस तब डायमेंशन निकालो, तो रो में लिखते हैं उसके कोफिशिएंट, इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स रो में लिखते हैं, यहां इक्वेशन नहीं दिए वेक्टर दिए तो कॉलम में लिखना 1 2 0 3 0 1 2 -1 -1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1, चल ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, 1 2 0 3 0 1 2 -1 -1 0 0 0 1 4 0, एक छूट रहा है क्या, एक छूट गया है 2 4 1 10 1, अब आखिरी वाला ये, ठीक है आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो भाई तो सुनना जरा सा भाई, क्या करोगे इसमें, इक्लान फॉर्म में बदल लो, इक्लान फॉर्म में बदल लो, रो रिड्यूस इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म में बदल लो, बहुत रो रिड्यूस की जरूरत नहीं है, इक्लान फॉर्म बदल लो भाई, डायमेंशन इतनी नॉन जीरो रो होंगी,
जितनी नॉन जीरो रो होंगी भाई डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बदलते हैं इक्लाइन फॉर्म में हम लोग इसको, आर टू माइनस टू आर वन, ये तो जीरो है, आर थ्री माइनस थ्री आर वन, बाकी ये तो जीरो है, दो तो जीरो है, दो में ऑपरेशन लगाना है खाली बस। आज तो टाइम हो रहा है, कल हम लोग रो स्पेस कॉलम स्पेस पढ़ेंगे आगे हम लोग, बाकी अगर कोई लगाए होंगे तो प्रॉब्लम पूछ लेना, बाकी हम रो स्पेस कॉलम स्पेस पढ़ेंगे हम लोग, अच्छी चीज है ये सब भी। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पहले ही जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये इसमें कोई लगाया नहीं ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन लगाया हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया इसमें हमने, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, इसमें दो का तीन का मल्टीप्लाई करके इससे घटा रहे, इसमें तीन का मल्टीप्लाई करके इससे घटाएंगे तो माइनस फोर, इसमें तीन का इससे घटाएंगे कोई फर्क पड़ना नहीं, चार ही रहेगा वो, इसमें तीन दो छः, चार में दस में छः जाएंगे तो चार, इसमें जीरो ही रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी वाले में तुमको ऑपरेशन लगाया ही नहीं है क्योंकि इक्लान फॉर्म में तो बनाने के लिए बना ही हुआ है। अब क्या बचा यहाँ पर, इसमें इसमें चार का मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई अगर ले रहे हो तो, लिख रहे हो तो लिख सकते हैं, जरूर लिखते हैं तो बता दिया करें, हम रोक दिया करेंगे। अब एक ऑपरेशन क्या रहा, इसमें चार का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे, आर फोर माइनस फोर आर थ्री, तो ये आपका हो जाएगा वन वन जीरो टू जीरो 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 माइनस वन 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 जीरो, ठीक है, और चार का मल्टीप्लाई करके इससे घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा देखना आपका, ये तो जीरो, चार का इससे घटाएंगे माइनस चार माइनस चार जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और ये जीरो, बाकी ये जीरो 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 वन वन, एक ऑपरेशन और कर दो, ये वाला ऊपर कर दो क्योंकि ये आप तो घटाए टाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, तो सीधे आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर देना, तो क्या बनेगा देखना, वन वन इक्लान फॉर्म में सभी बन पाएगी, वरना ये इक्लान फॉर्म में नहीं है अभी, आप सही है, बाकी सब जीरो रो है, सारी रोज जीरो रोज है। डायमेंशन एक और छूट रहा है, एक वन 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 है भाई, जीरो रोज हमेशा नीचे रखा करो, तो बाकी और भी चेंजिंग कर देना, और भी चेंजिंग कर देना, ठीक है, जीरो रोज हमेशा नीचे रखा करो, हम लिख ले रहे चेंजिंग अपने हिसाब से देख लेना, बाकी समझ जाना क्या चेंजिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेना, ठीक है, अपनी मर्जी से, हमने ये रो यहाँ कर दी है तीसरे नंबर पे, ठीक है। चल तो आपकी कितनी नंबर नॉन जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थ्री, और यही कौन हो जाएगी डायमेंशन। चलो हो गया, चलो ये भी हो गया भाई, सेवेंटी एट तो हम नहीं बताएंगे अभी क्योंकि सेवेंटी एट अलजेब्रा में जब समझाएंगे इसके अच्छे इसके बारे में अच्छे से तभी बताएंगे, सेवेंटी एट के बारे में, वाई जेड बाई थ्री जेड के बारे में आपको बताना है, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी अभी, ये कोशेंट कोशेंट से कोशेंट से ग्रुप टाइप का है ना ये, तो इसलिए अभी उसको नहीं बताएंगे हम, सेवेंटी एट वाला, हाँ सेवेंटी सेवन वाला आप देख सकते हो, सेवेंटी सेवन बार खुद से ट्राई करना, ना है तो बताना, वो इतना टफ है नहीं वो। और
79 वाला जो है ये आप ट्राई करना है, जैसे पीछे क्वेश्चन एक बार हो चुका है ऐसा ट्राई करना है, ना है तो फिर बताना ठीक है। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स पे स्पैन बाय दीज रोज, ये तो एकदम सिंपल है, 80 नंबर। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स पे स्पैन बाय दीज रो वेक्टर्स, अरे भाई एकदम सिंपल सा है, इनको इनको कॉलम में लिख लेना उठा के ठीक है। अच्छा कह रहा रो वेक्टर्स है तो इनको रो में लिख लेना भाई, और डायमेंशन का मतलब एक लाइन फॉर्म में कर लेना, एक लाइन फॉर्म में करने के बाद जितनी नॉन जीरो रो रहेंगी वही डायमेंशन करना, ना है तो बताना ठीक है। 81 देखो रिपीट कितना किस तरह से होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगा, अच्छे से लगा लो, चाहे वो नेट में हो चाहे गेट में हो, क्वेश्चन भले ही कॉपी टू कॉपी रिपीट ना हो लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग करके रिपीट अक्सर हो जाता है भाई, और कॉपी टू कॉपी भी एक आध बार कई बार रिपीट हो जाता है भाई। अभी उस दिन देख रहे थे 2014 में क्वेश्चन आया, 15 में फिर वही आ गया, कभी कभी सेम रिपीट हो जाता है भाई। अब जैसे ये लिखा हुआ है 80 नंबर, 80 नंबर कह रहा भाई डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज A110 एंड ट्रेस 0, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अरे ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, ऐसे लगा दो, नंबर ऑफ कंडीशन से कर लो, जैसे खुल जाएगा मिश्रा जी की तभी तबीयत ठीक भी हो जाएगी तो फॉरन पूछेंगे भाई, ऑफलाइन अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाने में मजा नहीं आती बिल्कुल, ऑनलाइन नेट की क्लास तो बिल्कुल नहीं, नेट एमएससी पढ़ाने एमएससी अच्छा नहीं लगता पढ़ाना, एमएससी नेट बिल्कुल नहीं अच्छा था पढ़ाना नहीं। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है भाई, कह रहा है सारी कैसी ए जे के, अब जे के उन्होंने आई जे लिखते इस बार जे के लिखते कोई बात नहीं, और कैसी है एन क्रॉस एन की है, एन टू या टू से बड़ा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है एक बात, सिमेट्रिक की डायमेंशन आप जानते हो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू ठीक है, याद रखना पीछे प्रूव कर चुके हम लोग, विद रियल एंट्रीज A110 है, ट्रेस 0 है, इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए, और ट्रेस ऑफ ए 0 है। तो देखो भाई डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये होती है एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू ठीक है, मालूम है पीछे निकाल चुके हैं आप निकाल सकते हो, हम पीछे प्रूफ भी शायद कराया होगा हमने। अच्छा इसमें से कितनी कितना घटा दो भाई, एक कंडीशन ये दी हुई है, एक कंडीशन ये दी हुई है, एंड कितनी कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, टू कंडीशंस आर गिवन। अच्छा दो कंडीशन कहना इनको, दो ही हैं क्योंकि एक ये A11 एक ही चीज होता है, ट्रेस एक ही इक्वेशन बनेगी, अगर कभी AIJ या इस तरह AI करके लिखा हो तो ये मत समझना एक ही कंडीशन हुई, I की वैल्यू पुट करके देखना कितनी कंडीशन हो रही है ठीक है। तो डायमेंशन कितनी हो गई, डायमेंशन हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, और नंबर ऑफ कंडीशन दो तो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस फोर बाई टू। ऑप्शन वन ही आ रहा है क्या, 81 का ऑप्शन वन ही आ रहा है शायद, ठीक है। अब 82 है जो क्या कह रहा है, 82 कह रहा है x बराबर है x1 x2 x3 y है y1 y2 y3 दोनों ही R3 में है, मतलब 3 टपल्स है ठीक है। आगे लीनियरली इंडिपेंडेंट लेट डेल्टा 1 कुछ दिया है, डेल्टा 2 फिर कुछ दिया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा भाई, क्लास ऑफ हो जाएगी, दोबारा नहीं कनेक्ट करेंगे हम, दोबारा लिंक नहीं भेजेंगे, बाकी आप जो प्रॉब्लम हो इसकी लगाना, जिसकी जो बात कल बताना, बाकी हम कल से नया आगे अगला वाला शुरू कर देंगे, चैप्टर 6 भी शुरू कर देंगे कल से हम। चलो डेल्टा 1 कुछ दिया है, डेल्टा 2 कुछ दिया है, डेल्टा 3 कुछ दिया है,
इफ वी इज स्पैन ऑफ एक्स कॉमा वाई, वी जो है एक्स और वाई से स्पैन है, चलो ठीक है, तो वी क्या होगा, डेल्टा वन यू, डेल्टा टू वी, डेल्टा थ्री डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। एक मिनट, वी जो है आपका वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, और एक मिनट अगला देखते हैं, मेरा अगला देख लो, भी सोचना पड़ेगा इसमें क्या है। अगला सिंपल है, अगला सीधे कह रहा है कौन सा बेसिस है कौन सा बेसिस है, बेसिस अगला वाला देख लो जरा सा, अभी थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा क्या है, अभी टाइम है नहीं, हो नहीं पाएगा वो भी पूरा, जस्ती में अधूरा हो जाएगा, 83 वाला छोटा ही हो जाएगा, उसको देखेंगे बाद में, फिर बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर की पावर 4 इज द बेसिस ऑफ आर की पावर 4। अरे भाई b1 b2 b3 कौन बेसिस है, बेसिस के पहले चेक कर लिया को लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, में से कोई b1 b2 b3 में से कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक बात याद रखना, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक तरह से और चेक कर सकते हो डायरेक्ट एकदम बिना कुछ करे, सिर्फ देख के, कैसे, अगर वेक्टर्स दिए हैं सारे, सेट दिया है आपको, बताना सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, देख लो, ऐसा तो नहीं है कोई दो वेक्टर्स को जोड़ने या घटाने या किसी वेक्टर में कुछ गुणा करने पर दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है उसका, उस सेट का, तो फिर इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भाई बेसिस नहीं होगा, ठीक है, देख लिया करो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि देखो जरा सा, आप देखो जरा ध्यान से, जब b1 में b1 दिया है, b1 जब b1 में आपका b1 हम लिख रहा है, पहले b1 लिख दे, चाहे जो हो ना पाए क्वेश्चन से पहले डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसे b1 दिया है 100, डिस्कनेक्ट हो गया तो कल इसको पूरा करेंगे हम लोग, और बाकी दो तीन जो बचे हुए हैं वो भी पूरा कर लेंगे, 1100 1111 जीरो, 1111। चलो हाँ, ये देखो जरा सा, तो इसमें देखो कोई दो घटाने जोड़ने पे तो मिलना ही नहीं है, कोई दो घटाने पे कोई तीसरा तो नहीं मिल रहा है, जोड़ने पे तो मिलना ही नहीं है, ठीक है, घटाने भी चेक कर लो, इसमें से ये घटाओगे नहीं, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, 0001 मिलेगा वो है नहीं, और क्या घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो ये 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0001 00 नहीं है इसमें, इसमें से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, इन दोनों को भी तीसरा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा भाई, तो b1 बेसिस होगा भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, और इक्लाइन फॉर्म में तो आप कर ही लोगे, ठीक है, तो बेसिस तो ये हो जाएगा, ये बेसिस है भाई। अच्छा और देखो जरा b2 चेक करो, b1 है, अरे हल करेंगे हम,